ओम शांति मीठे बच्चे, आज की मुरली 5 से 6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, संगदोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संगदोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भूल जाती है। प्रश्न है, किस फजीलत मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? उत्तर, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें जरा भी देहाभिमान न आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। कभी भी अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं। शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असुल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कि यह लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए, परंतु वह शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई झगड़ते नहीं हैं। वह कोई शांति हुई क्या? शांति और चीज है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। आत्माओं का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परमपिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है। हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना? तुम असुल वहां के रहने वाले हो, यहां आए हो पाठ बजाने। शरीर द्वारा पाठ तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की भी दरकार नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है। सुबह होने से आवाज शुरू हो जाता है। वह हुई हद की रात और दिन। अभी तो है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है, इसलिए कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़े ही याद किया जाता है। याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है व उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम नहीं होगा, कितनी बड़ी सेना है। सभी का मुख है शांति धाम तरफ। वह है परेते परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं, वहां जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूलवतन सूक्ष्मवतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? सूक्ष्मवतन मूलवतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? देखने में तो मूलवतन सूक्ष्मवतन परेते परे हैं, परंतु वहां जाने में देरी नहीं लगती है, सेकंड की बात है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वह जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं, आधाकल्प वह यात्रा करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं। तुम हो सिकील्धे बच्चे,
तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ, यह देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना, पूज्य ऊंच हैं, बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं। यहां पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो, यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने लिए। बाप कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना है, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटाभेटी चलती है, माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसएबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए, मर गए। यह ड्रामा गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धरते हैं कि ईश्वर ही दुख सुख देते हैं, ईश्वर को बाप नहीं समझते। परमात्मा कभी किसको दुख कैसे देंगे, परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, संगदोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो, साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी ही देंगे परंतु उसको भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं योग पूरा नहीं है, ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सका, बोला बोट नाव ले आओ तो चलें। जो खुद कहता था वह कर नहीं सका, सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। कथनी करनी रहनी सब समान हो, इसलिए बाप को मत भूलो, बाबा अभूल बनाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफी मांगो, आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते हैं यह तुम्हारी भूल है, अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। यह भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है, इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगे, अपने को बहुत मियां मिट्ठू समझते हैं। पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धियोग बड़ा अच्छा चाहिए, भल भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है, अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे यह भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहमदिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते हैं, बाप को कहते हैं क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, नहीं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, बाबा की याद ही नहीं ठहरती है।
मियां मिट्ठू नहीं बनना है। अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वह अवस्था आनी है। यहां बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है, तो आतुर वेला जल्दी होती है, जल्दी जल्दी जाऊं। परंतु लायक भी बनना पड़े ना। कोई तो यहां ही घूमने फिरने, जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं तो कहते हैं नाहिक बाबा को छोड़ा। अच्छा, फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। उपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाप उठाते हैं। मंजिल है ऊंची और यह है सारी बुद्धियों की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। एक सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिससर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा व अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वह भी नुकसान कर देते हैं। मायावी सोल प्रवेश कर लेती है। भल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं है। कोई न कोई खामी रहती है तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर न चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है, इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है। बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के हो। विश्वविद्यालय बाप का है ना? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर है, यह ख्याल आया और मरा। ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा यह तनमंधन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है? तुम क्या देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं ना, जीते जी दान करते हैं। देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, यह तो पुराना तन है। तुम आत्माएं मेरी हो। यह शरीर पार्ट बजाते बजाते अब पुराना हो गया है। अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए। पूछना नहीं है, सर्विस पर जाएं। बाबा समझते हैं शौक नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा व कर्मणा कोई न कोई सर्विस में लग जाना चाहिए तो उजूरा मिलेगा। आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी न करे तो कोई काम का नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलना है। शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ हैं? इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना? चिट्ठी लिखते हैं ना? बैल पर सारा दिन थोड़े ही सवारी करेंगे। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। यहां तो आंसू आने की बात नहीं, इनको तो सर्विस करनी ही है।
बच्चों को समझाते हैं, मामे कम याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। यह तो बिल्कुल सहज है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नर्क का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव, कौरव, पांडव भी हैं। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा लेने आया है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। है ही यह राजयोग, न कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो सर्विस का शौक चाहिए। लिखकर पूछ सकते हो, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे, अभी तुम अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़फते हैं कि कोई को जाकर जीव दान करें। बिचारे बहुत दुखी हैं। यह एक ही सतगुरु है, शांतिधाम सुखधाम ले जाने आए हैं। वह गुरु लोग अपने को जगत पिता, जगत शिक्षक कह न सकें, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। यह तो जगत का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा वर्षा लो। देहाभिमान अच्छा नहीं है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहां तो पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहां तो देखो पेट के लिए मारामारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धियोग की बहुत संभाल करनी है। अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। दो, बाप के साथ सच्चा रहना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। वरदान, अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते फिरते, खाते पीते, अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एकरस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती।